आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करें तो कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 61,37,941 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 82,170 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,039 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 96,275 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो 24 घंटे में 457 संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,184 लोग ठीक भी हुए हैं, 6 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों का नया रिकॉर्ड बना है। पहली बार संक्रमित की तुलना में लगभग 39% ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में 457 संक्रमित मरीज मिले, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 1,184 है। इस दौरान 6 संक्रमितों की मौत हुई, जो अनलॉक 4 में एक दिन में सबसे कम मौत का आंकड़ा है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 129 मरीज मिले, देहरादून में 113, उधमसिंह नगर में 76, टिहरी में 27, उत्तरकाशी में 25, चंपावत में 21, अल्मोड़ा में 19, नैनीताल में 16, पौड़ी में 15, चमोली में 7, रुद्रप्रयाग में 5, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 2-2 कोरोना मरीज मिले। प्रदेश में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 4, दून मेडिकल कॉलेज में 1 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 580 हो चुकी है। वहीं 1,184 मरीज डिस्चार्ज किए गए, इन्हें मिलाकर 36,646 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 47,502 हो गई, जबकि 36,856 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 10,066 केस एक्टिव हैं, 580 लोगों की मौत हो गई। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,495, बागेश्वर में 600, चमोली में 968, चंपावत में 771, देहरादून में 12,693, हरिद्वार में 9,175, नैनीताल में 5,750, पौड़ी गढ़वाल में 1,914, पिथौरागढ़ में 1,035, रुद्रप्रयाग में 672, टिहरी में 2,203, उधमसिंह नगर में 8,317, उत्तरकाशी में 1,910, टोटल मामले 47,502 हो गए हैं। उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए बसें कल से चलेंगी, पुराना किराया लागू। तो उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि कोरोना काल से पहले लिया जा रहा किराया फिर से लागू कर दिया गया है। शासन ने कोरोना काल के दौरान 1.5 गुना किराया लेने का पूर्व में जारी आदेश समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने सोमवार को इसके लिए SOP जारी कर दी है। SOP तत्काल प्रभाव में लागू कर दी गई है। इसके मुताबिक राज्यों के परिवहन निगम समन्वय के साथ बसों का संचालन करेंगे। वहीं परिवहन निगम के MD के अनुसार रोडवेज की बसों का संचालन 30 सितंबर से शुरू होगा। पहले चरण में राज्यों के बीच प्रतिदिन बसों में 100-100 फेरों में संचालन की जाएगी। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण की पूर्व में निर्धारित दरों के हिसाब से ही किराया वसूला जाएगा। उत्तराखंड की परियोजनाओं का उद्घाटन आज। तो प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड को कई बड़ी परियोजनाओं को तोहफा देंगे। अब चारधाम यात्रा के लिए भी कोविड जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं। तो चारधाम यात्रा पर बाहरी राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी अब कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की शर्त को हटा दिया गया है। लेकिन यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण व ई पास व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी गई है। उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने चारधाम यात्रा की SOP जारी कर दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सहित अन्य सुधारों के लिए बनेगा एक्शन प्लान। तो CS ने निर्देश दिए हैं, विभागों के लिए तय होगी समय सीमा। वही खबर आई है, ईवा आशीष श्रीवास्तव टिहरी की नई DM बनी है। DLED बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय पर दिया धरना। तो सोमवार को शिक्षा निदेशालय में DLED प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के धरना दिया। धरने पर बैठे बेरोजगार ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा कि उनका चयन जिस सेवा नियमली से प्रशिक्षण के लिए हुआ था, उसे 2 बार बदल दिया गया। वर्तमान में सहायक अध्यापक सेवा नियमली से शिक्षकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। हालत यह है कि 519 लोगों के प्रशिक्षण पूरा करने के महीने बाद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। यदि सरकार ने शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया न की तो बेरोजगार उग्र आंदोलन करेंगे। UP के लिए चलाई जाएंगी 100 बसें। तो रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि फिलहाल बसों का संचालन बुधवार से किया जाएगा। फिलहाल पहले चरण में यूपी के लिए 100 बसों का संचालन किया जाएगा, जिसमें से गढ़वाल मंडल से कौशाम्बी गाजियाबाद तक 55 बसों का संचालन होगा। वहीं कुमाऊँ से 45 बसों का संचालन किया जाएगा। चारधाम यात्रा पुलिस ने कसी कमर। तो अनलॉक 4-5
में होटलों और धर्मशालाओं को आगंतुकों की थर्मल स्कैनिंग के दिए निर्देश। तो अनलॉक फाइव के दौरान चारधाम यात्रा के दौरान कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर ली हैं। इस संबंध में आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने संबंधित जनपदों को पुलिस से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम में के लिए जल्द शुरू होगी हेली सेवा। तो केदारनाथ धाम के लिए जल्द ही हेली सेवा शुरू की जाएगी। उत्तराखंड देवस्थान प्रबंधन बोर्ड की ओर से चार धाम यात्रा की एसओपी जारी करने के बाद अब नागरिक उड्डयन विभाग भी हेली सेवा संचालन के लिए एसओपी जारी कर देगा। स्कूल खोलने को लेकर की स्थिति स्पष्ट नहीं, तो प्रदेश में 30 सितंबर के बाद स्कूल खोलेंगे या नहीं, इसे लेकर विभाग की ओर से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। निदेशक आर के कुंवर के मुताबिक इस संबंध में अभी विभागीय मंत्री और शासन से दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, कोई आदेश जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अगले सप्ताह घोषित होगी टीआईसी योजना की तिथि। तो लॉकडाउन के कारण प्रभावित पर्यटन कारोबार को उबारने के लिए सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन कूपन योजना शुरू करने का फैसला किया है। अक्टूबर में जारी हो सकता है पुलिस भर्ती का आदेश। तो आगामी माह में पुलिस सिपाही पद पर 1500 पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी हो सकते हैं। इसके साथ ही इंटेलिजेंस के दरोगाओं को भी जल्द प्रमोशन मिल सकता है। इसके बाद पूर्व में सिविल पुलिस और अब इंटेलिजेंस ने इन इंस्पेक्टरों को तैनात करने का रास्ता साफ हो गया है। तो हेड कांस्टेबल के दरोगा और कांस्टेबल के हेड कांस्टेबल बनने के बाद 1500 पद खाली हो रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में राजभवन को निकले कांग्रेसियों ने दिया धरना। तो हाथीपड़कला पुलिस चौकी पर रोक लिया गया जुलूस, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। वहीं खबर आई है अब 11 अक्टूबर को पीएम मोदी बांटेंगे स्वामित्व कार्ड। तो प्रदेश में 650 लोगों को स्वामित्व कार्ड के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कार्ड 11 अक्टूबर को बांटेंगे। सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करना असंभव। तो संघ लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को टालना असंभव है। पहले ये परीक्षा 31 मई को होनी थी। देहरादून जिले में 25,000 से ज्यादा दाखिल खारिज अटके। तो इस साल जमीन खरीदकर उस पर लोन लेने या मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कराने की तैयारी कर रहे लोगों को झटका लगा है। जिले में 25,000 से ज़्यादा लोगों के दाखिल खारिज अटक गए हैं। इनमें अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें जमीन खरीदने के बाद उस पर लोन या मानचित्र स्वीकृत करा निर्माण करना है। देहरादून IMA में 2 अंडरपास का शिलान्यास किया गया। तो भारतीय सैन्य अकेडमी के 2 अंडरपास को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। वहीं खबर ऋषिकेश से, जहां पे पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। तो अब इस संबंधों को छुपाने के लिए एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी के 3 साथियों ने मिलकर शव को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को प्रयुक्त हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर आई है कोरोना संक्रमित महिला रोग विशेषज्ञ का निधन हो गया। तो कोरोना संक्रमित शहर की वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू काला का सोमवार को निधन हो गया। मालदेवता में बाइक गिरी, 2 घायल हो गए। तो मालदेवता में PPCL के समीप बाइक अनियंत्रित होकर के 30 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें बाइक सवार दोनों भाई घायल हो गए। पूर्व CM उमा भारती को एम्स में भर्ती कराया गया है। हिस्ट्री सीटर को गैंगस्टर एक्ट में 2 साल की सजा। तो गैंगस्टर एक्ट में आरोपी बनाए गए हिस्ट्री सीटर को न्यायालय ने दोषी करार करते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वही खबर आई देहरादून से, जहां पे दुकान में घुसकर व्यापारी को पीटा, हंगामा हुआ है। तो पंत रोड पर बैग की दुकान में मालिक पर युवकों ने हमला कर दिया। इस हमले में बैग मालिक की आंख में चोट आई। व्यापारी के समर्थन में सोमवार रात को लोगों ने धारा पुलिस चौकी पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर है पटेल नगर से, जहां पे दूध में नशे की गोलियां देकर 2 मासूम बहनों से हैवानियत। तो पटेल नगर क्षेत्र में मकान मालिक क्लिनिक संचालक ने 3 और 7 साल की 2 बच्चियों से दुष्कर्म किया। पटेल नगर पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का पथरी बाग में मेडिकल स्टोर है।
मसूरी में विदेशी महिला से छेड़छाड़। तो मसूरी घूमने आई इजरायली महिला के साथ बाइक सवार युवक ने छेड़छाड़ की। पुलिस मसूरी पुलिस ने अज्ञात में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीएमएस की परीक्षा 10 अक्टूबर से होगी। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 20 पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। बीएमएस प्रथम और तृतीय वर्ष की परीक्षा 10 से 27 अक्टूबर तक होगी। द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 28 से 12 नवंबर तक चलेंगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 5 अक्टूबर तक बढ़ाई तिथि। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्र ने यूजी कक्षाओं में प्रवेश फॉर्म भरने की तिथि 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में छात्रों के सामने कनेक्टिविटी की दिक्कत आने से कई छात्र प्रवेश भरने में वंचित रह गए थे। डीएवी कॉलेज में दूसरी मेरिट जारी कर दी गई। तो डीएवी पीजी कॉलेज में दूसरी मेरिट लिस्ट भी सोमवार को जारी हो गई, जिसके अनुसार 3 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं। अल्मोड़ा में सादगी से मनाई जाएगी गांधी जयंती। तो गांधी जयंती को इस बार बेहद सादगी के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट एडीएम बीएल फिरमाल ने अफसरों की बैठक ली है। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे अश्लील मैसेज भेजने वाला प्रधानाचार्य अटैच। तो भिकियासैन के एक शिक्षक और प्रभारी प्रधानाचार्य पर छात्रों को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में सीओ ने बड़ा कदम उठाया। सीओ ने प्रभारी प्रधानाचार्य को बीओ कार्यालय से अटैच कर दिया है। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। 4 माह से बंद विंसर वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। तो कोरोना काल के चलते बीते 4 माह से बंद चल रहे अल्मोड़ा वन्य जीव अभयारण्य को अब पर्यटकों के दीदार के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटक यहां से प्रकृति का आनंद ले सकेंगे। नैनीताल के नामी होटल अक्टूबर वीकेंड के लिए पैक हो गए हैं। तो कोरोना काल में अक्टूबर का पहला हफ्ता पर्यटन सीजन के लिए सबसे बड़ा वीकेंड साबित होने जा रहा है। इसके लिए नैनीताल के सभी नामी होटल एडवांस बुकिंग में पूरी तरह से पैक हो गए हैं। दूसरे होटलों में भी दिल्ली समेत दूसरे शहरों के पर्यटक बुकिंग करा रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों को इस वीकेंड भी भरपूर वॉकिंग कस्टमर बिना बुकिंग के आने की संभावनाएँ हैं। कारोबारियों का कहना है कि अक्टूबर से मई और जून के बीच सीजन की तर्ज पर लगभग 80% कारोबार की उम्मीद है। प्री वेडिंग शूट को टिहरी झील बनी पसंदीदा लोकेशन। तो बदलती संस्कृति के बीच अब पहाड़ों में भी प्री वेडिंग शूट का क्रेज बढ़ने लगा है। अक्टूबर माह में शादी के बंधन में बंधने जा रहे जोड़ों के लिए टिहरी झील प्री वेडिंग की फोटो शूट करने के लिए बेहतरीन लोकेशन बनकर उभरा है। लॉकडाउन के बाद 22 सितंबर से टिहरी झील में बोटिंग गतिविधियां शुरू होने के साथ ही बोट व्यवसाय से जुड़े लोग प्री वेडिंग की बुकिंग मिलनी शुरू हो गई है। यमुनोत्री हाईवे खुलने में लगेंगे 15 दिन। तो भारी भूस्खलन के कारण दूसरे दिन भी आवाजाही ठप, प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। अब लक्सर में फतवा गांव पहुंचा मगरमच्छ, तो वन विभाग की टीम ने पकड़ करके नदी में छोड़ा है। इसी के साथ खबर आई है बागेश्वर से, जहाँ पे वीडियो समेत 4 से होगी 1.72 लाख रुपए की वसूली। बात करें देहरादून की खबरों की, तो आज प्रदेश में मौसम रहेगा साफ। तो प्रदेश भर में मंगलवार को मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि राजधानी सहित प्रदेश में आसमान साफ रहेगा, मैदानी जिलों में सुबह कोहरा आ सकता है। पूरी सवारियों के साथ चलेंगे विक्रम सिटी बस। तो शासन ने नई एसओपी जारी कर दी है। वाहनों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से राहत दे दी गई है। तो राजधानी की सड़कों पर फराटा भर रही सिटी बसों के अलावा ऑटो, विक्रम, ई रिक्शा तक समेत तमाम सार्वजनिक वाहन अब पूरी यात्री क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे। सरकार की ओर से, शासन की ओर से जारी कर दी गई है नई एसओपी के तहत सिटी बस, ऑटो, विक्रम समेत तमाम सार्वजनिक परिवहन में यह छूट दे दी गई है। इसके तहत वाहनों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम से राहत दे दी गई है। शासन की ओर से नई एसओपी जारी होने के साथ ही सिटी बस, ऑटो, विक्रम संचालक ने राहत की सांस ली है। दून से कौशाम्बी बॉर्डर तक कल से चलेंगी 20 बसें। वहीं सरकार के फैसले से वाहन संचालकों को राहत मिल गई है। संक्रमित महिला डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। वहीं खबर आई है खुशखबरी, इसी हफ्ते खुल जाएगा गांधी पार्क। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद किया गया गांधी पार्क इस सप्ताह पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा।
देहरादून में 17 कंटेनमेंट जोन बने जबकि 13 मुक्त किए गए। तो जिले में कोरोना संक्रमित के मिलने पर जिला अधिकारी ने जारी किया है आदेश। वहीं निजी लैबों में मिली कई गड़बड़ियां, तो जिले में कई प्राइवेट लैब कोविड-19 को लेकर के ICMR की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही हैं, जिन्हें नोटिस भेजे जाएंगे CDO की ओर से। निजी लैबों की जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। साइकिल और भारी ट्रकों के अनुकूल बनेंगे अंडरपास। तो भारतीय सैन्य अकेडमी IMA में बनने जा रहे दो अंडरपास कई मायनों में खास होंगे। इनमें कैडेट आसानी से साइकिल चला सकेंगे, साथ ही सेना के भारी ट्रकों की भी आसानी से आवाजाही होगी। वही खबर है यह देहरादून से, जहाँ पे झोला छाप डॉक्टर ने दो मासूम बहनों से दुष्कर्म किया, तो आरोपी की दुकान और घर में काम करती थी माँ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के आरोपी विधायक गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती। तो महिला से दुष्कर्म के आरोपों में घिरे विधायक द्वारा हट महेश नेगी गुरुग्राम के ऑर्टिनिस अस्पताल में भर्ती हैं, यह जानकारी उन्होंने फेसबुक के माध्यम से दी है। बीटेक की सीटें 8000, आधे ही दावेदार। तो पहले चरण की काउंसलिंग में अपेक्षाकृत कम दिखा छात्रों का रुझान। तो उत्तराखंड में बीटेक के करीब 8000 सीटों के लिए केवल 4200 दावेदार ही आए हैं। DAV BSC की 78% से कम पर दाखिला नहीं। तो DAV PGD कॉलेज में दूसरी मेरिट लिस्ट में भी 78% से कम अंकों पर BSC PCM में दाखिला नहीं मिलेगा। राज्य दिव्यांग पुरस्कारों के लिए पहुंचे महज 3 आवेदन। तो जिले में राज्य दिव्यांग पुरस्कार के लिए आवेदनों का टोटा हो रहा है। कोरोना संक्रमण के डर से दिव्यांग समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन करने ही नहीं पहुंचे विभाग को जिले में महज 3 आवेदन ही मिल सके हैं। जिले में अब राज्य स्तरीय समिति को भेजा जा रहा है। तो 25 सितंबर थी अंतिम तिथि, अब समाज कल्याण कार्यालय ने 30 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि कर दी है। तो 30 सितंबर तक इसे बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बैंक में नौकरी का मौका, जल्द करें आवेदन। तो बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद यहाँ पे 2 हैं। तो इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट में जा करके आवेदन कर सकते हैं। 30 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। इसी के साथ अकाउंट्स असिस्टेंट सहित कई अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पद 142 हैं। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दी गई है, और इसके लिए आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 7 अक्टूबर से शुरू होगा, वहीं अंतिम तिथि इसकी 7 नवंबर तक है। इसी के साथ टेक्निकल पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो भारतीय भेषज संहिता आयोग में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद यहाँ पर 239 हैं, और इसके लिए अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। प्रोजेक्ट एसोसिएट सहित कई पदों पर अवसर, तो टोटल पद यहाँ पे 30 निकले हुए हैं। तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, और देख सकते हैं 16 अक्टूबर तक इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। ITI कर्मियों ने किया प्रदर्शन, तो प्रवेश प्रक्रिया में नहीं किया सहयोग, काली पट्टी बांध करके काम किया है। तो पदोन्नति और मृतक आश्रितों के लंबित प्रकरणों के समाधान सहित 6 सूत्री मांगों के लिए ITI कर्मियों ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। शिक्षकों ने उठाया वेतन का मुद्दा, तो बैठक कहा 4 माह का वेतन दे होने पर भी 3 माह का बजट जारी किया गया। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में वेतन न मिलने पर शिक्षकों ने कड़ा रोष जताया, कहा कि 4 महीने का वेतन दे होने पर भी केवल 3 माह का बजट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में संक्रमित की एम्स में मौत, तो पहले जिला अस्पताल में कराया गया था भर्ती, तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर रेफर किया गया था एम्स में। वही खबर है टिहरी जिले में 27, चमोली में 18 कोरोना संक्रमित मिले। देवाल बाजार 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए व्यापार संघ ने देवाल बाजार को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। उमा भारती के संपर्क में आए 57 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है, 2 दिन के लिए AD व CO कार्यालय बंद। तो पौड़ी से खबर आई है, संक्रमित को नवजात के साथ अस्पताल में जबरन कराया गया भर्ती,
तो पौड़ी से खबर है जहां पे स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक पापड़ में कोरोना संक्रमित महिला को पुलिस कार्रवाई की धमकी देकर नवजात के साथ अस्पताल में आइसोलेट करने का मामला सामने आया है। प्रसूता ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि घर में होम आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था थी, इसके बाद भी जबरन 20 दिन की नवजात शिशु के साथ बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कर दिया गया। वही खबर आई है कर्ण घाटी से जहां पे अतिक्रमण हटाने गई टीम को झेलना पड़ा ग्रामीणों का विरोध। तो भाबर के झड़ीचोड़ पश्चिमी से लोगों ने नहीं हटाने दिया अतिक्रमण। 48,000 से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे चारों धामों में। तो चारों धामों में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50,000 के पार पहुँच गई है। शव से गहने गायब होने के मामले में होगी जांच। तो कोविड अस्पताल से लापरवाही के मामले में उच्च राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश पर जिलाधिकारी पौड़ी ने जांच बैठा दी है। 21 सितंबर को मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल के आईसीयू में नगर पालिका सभासद श्रीकोट विभोर बहुगुणा की माता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपनी माँ के कान की कुंडल व सोने की चेन गायब होने के साथ ही शव को खराब किट में रखे जाने की बात शिकायत की थी। मामला सोशल मीडिया में उछलने पर राज्य मंत्री ने इसे गंभीर मामला बताते हुए डीएम पौड़ी को तत्काल जांच के आदेश दिए। वहीं खबर है कोटद्वार से जहां पर कृषि विधेयकों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कोटद्वार से खबर है जहां पे तहसील मिली बंद, बेरंग लौटे लोग। तो कोरोना संक्रमित मिलने पर 3 दिन के लिए तहसील बंद रहा। पौड़ी से खबर आई जहां पे एडीएम पौड़ी को कोविड वॉर रूम की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिले में कोविड से जुड़ी जानकारियों के लिए भिन्नता आने व पोर्टल अपडेट करने में आ रही परेशानियों को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। खबर है श्रीनगर से जहां पे श्रीकोट में भव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण होगा। खबर है रुद्रप्रयाग से जहां पे स्वरोजगार के लिए 51 लोगों ने आवेदन किया है। आईटीआई एवं एनआईटी अब कराएंगे बहुविषयक पढ़ाई। तो देश के सभी 23 आईटीआई और 31 एनआईटी अब बहुविषयक यानी मल्टी डिस्पेंसरी पढ़ाई भी करवाएंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश को 5 तक करेंगे आवेदन। तो विभिन्न छात्र संगठनों की मांग पर गढ़वाल विश्वविद्यालय ने तारीख को बढ़ा दिया है। सतपुली से खबर आई जहां पे फन यार घाटी में विलखेत में पैराग्लाइडिंग की ट्रायल जारी है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के गृह क्षेत्र नयार घाटी के विलखेत में हिमालयन एरो स्पोर्ट्स के पैराग्लाइडिंग ने सोमवार को भी पैराग्लाइडिंग के ट्रायल जारी रखे। खबर है कोटद्वार से जहां पे स्वयंसेविकों ने लिया नदियों को स्वच्छ बनाने का संकल्प। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो प्रधानमंत्री मोदी आज हरिद्वार में देंगे 4 सौगातें। तो कार्यक्रम यहां पे बताया गया कि 11 बजे नरेंद्र मोदी ऑनलाइन आएंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। नुकसान की भरपाई को व्यापारी ने मांगी रियायतें। तो शहर व्यापार मंडल गुट ने व्यापारियों ने शहरी विकास मंत्री को ज्ञापन देकर महाकुंभ का भव्य आयोजन करने और साप्ताहिक बंदी का आदेश वापस लेने की मांग की है। बस अड्डों पर हर यात्री का दर्ज होगा नाम। तो तैयारियां पूरी, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बस में सवार होने को मिलेगी इजाजत। तो कोरोना संक्रमण के बीच 30 सितंबर से शुरू होने वाले रोडवेज बसों के संचालन को लेकर के प्रशासन और परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। खबर आई है हरिद्वार से जहां पे कोरोना संक्रमित शिक्षक की मौत हो गई। तो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कोरोना संक्रमित शिक्षक सुखवीर सिंह चौहान की इलाज के दौरान मौत हो गई। खबर है हरिद्वार से जहां पे आरोपियों की गिरफ्तारी को प्रदर्शन। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फूटा अनुसूचित जाति के लोगों का गुस्सा। रेल प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। तो रेलवे ट्रैक के साथ आसपास की भूमि पर अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को रेल प्रशासन ने हटवा दिया। वही खबर है हरिद्वार से जहां पे पूरा सीएमएस के बेटे सहित 4 को पीटा गया है। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिव कॉलोनी में पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के बेटे को दबंगों ने घर के बाहर खींचकर लाठी डंडों से पीट दिया।
वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे फायरिंग मामले में नरेंद्र का एक और गुर्गा धरा गया है। ट्रक चालक समेत दो धरे गए, 18 लाख एल्युमिनियम बरामद हुई है। तो हैदराबाद से खबर आई है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो हल्दू चौड़ में देह व्यापार की शिकायत पर पार्लर में छापा मारा गया। तो देह व्यापार की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार सुबह एक पार्लर यानी सैलून पर छापा मारकर दो युवतियों और तीन युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में ठोस सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने युवतियों को छोड़ दिया, जबकि युवकों को शांति भंग में जेल भेज दिया। आरोपियों की कार भी पुलिस ने सीज कर दी है, जिस घर में पार्लर चल रहा था उसके भवन स्वामी का भी चालान किया गया है। टेम्पो विक्रम बसों में अब लगेगा पुराना किराया। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें बढ़ा हुआ किराया नहीं देना होगा। शासन ने लॉकडाउन से पहले निर्धारित किराया ही लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। टेम्पो विक्रम टैक्सी मैक्सी और बसों में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाने होंगे। बसों में यात्रियों को खड़ा करके ले जाने की अनुमति नहीं होगी। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे दोनों ब्लड बैंकों में हुई खून की कमी। तो सोवन सिंह जिन्ना बेस अस्पताल और सुशिया तिवारी अस्पताल में खून की कमी हो गई है। सीएम देंगे 120 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 1 अक्टूबर को हल्द्वानी में 120 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे प्रधानाचार्य की पहाड़ी से गिरकर के मौत हो गई। कोरोना से जंग जीतकर लौटी इंदिरा। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदेश कोरोना से जंग जीतकर सोमवार को शाम हल्द्वानी लौट आई। डॉक्टर की सलाह पर वह 10 दिन होम आइसोलेशन में रहेंगी। इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे 4 लाख का मुआवजा मंजूर। तो हाई टेंशन की चपेट में आकर जिंदा जले कमल रावत के मामले में जांच पूरी होने के बाद अधीक्षण अभियंता ने अधिशासी अभियंता नगर को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। बाजार में आते ही सरकारी गेहूं के गिर गए दाम। तो खुले बाजार में 1500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, वहीं सरकारी चावल को नहीं मिल रहे हैं खरीदार। नवरात्र में गुलजार होगा वाहन बाजार। तो कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में मंदी मार झेल चुके ऑटोमोबाइल कारोबार में अब उछाल की संभावना है। नवरात्र को लेकर के ऑटोमोबाइल कारोबारी उत्साहित हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो दिल्ली के लिए जल्द दौड़ेगी रोडवेज की 2 बसें। तो डिपो स्तर पर अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को लेकर के तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। वहीं खबर आई है, कोरोना के कारण गड़बड़ाई रानीखेत डिपो की आए। परीक्षा देने आई छात्रा निकली संक्रमित। तो अल्मोड़ा से खबर आई, जहां पे सुवन सिंह जिन्ना परिसर अल्मोड़ा में परीक्षा देने आई छात्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से परिसर में हड़कंप मच गया। 20 मिनट के लिए खुला धारचूला झूला पुल। तो नेपाल निवासी बीमार बच्ची के उपचार के लिए धारचूला का झूला पुल खोला गया। 20 मिनट के लिए झूला पुल खुलने पर भारत से 50 लोग और नेपाल से 88 लोग भारत आए। महिलाओं को दिया ब्याज रहित ऋण। तो दुधारू गाय के लिए दिया जा रहा है 20,000 रुपये का ऋण। वही खबर आई है, 12 मासी सड़क में जाम के जाम से लोग परेशान हैं। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 12 मासी सड़क निर्माण कार्य के दौरान लग रहे जाम से लोग परेशान हैं। खबर है चंपावत से, जहां पे एक्सरे के लिए मरीजों को करना पड़ा घंटों इंतजार। तो लंबा इंतजार करने के बाद भी कई मरीजों का नहीं हो पाया एक्सरे। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे छात्र छात्राओं ने की रिवर राफ्टिंग। तो सरयू में आयोजित राफ्टिंग प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं 16 छात्र छात्राएं। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे आईपीएल में सट्टा लगा रहा युवक गिरफ्तार किया गया है। हार्ट और डीएफसी का अगले चक्र में प्रवेश। तो खबर है अस्कोट पिथौरागढ़ से, जहां पे खोलियांगा गांव में मल्लिकार्जुन महादेव फुटबॉल कप मैच हो रहे हैं। इसमें ईश्वर ऑटोमोबाइल हॉट और डीएफसी की टीमों ने मैच जीतकर अगले चक्र में प्रवेश कर लिया है।
उत्तराखंड में फिल्म सिटी के लिए सरकार तलाश रही है जमीन, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी के लिए सरकार जमीन तलाश रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि एयरपोर्ट से कम दूरी पर जमीन मिल जाए। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे दोगुने किराए से तंग लोगों ने खरीदे निजी वाहन। अतिथि गृह के रूप में विकसित की जाएंगी धर्मशालाएं, तो अल्मोड़ा से खबर आई है, जहां पे कैलाश मानसरोवर समेत अन्य धार्मिक यात्रियों के लिए 150 साल पहले दानवीर जसूली देवी सोक्याणी की ओर से बनाई गई धर्मशालाएं अब नए रूप में नजर आएंगी। इन्हें अतिथि गृह के रूप में विकसित किया जाएगा। चौथे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे स्वजल कर्मी, तो वेतन की मांग को लेकर के कर्मियों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर कार्यालय प्रांगण में नारेबाजी का प्रदर्शन किया। हमारी खबर है, अल्मोड़ा में संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार पहुंच गया। सोमवार को अल्मोड़ा में 22 और बागेश्वर में 4 लोगों की कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। शराब के 480 पवों के साथ युवक को धरा गया, तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर सल्ट पुलिस ने अंग्रेजी शराब के 480 पवों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। फसलों की सुरक्षा में लाभकारी साबित हो रही है वायर चैन फेंसिंग, तो बागेश्वर जिले में 190 हेक्टेयर क्षेत्र को वायर चैन फेंसिंग के लिए किया गया है कवर। अल्मोड़ा मुरादाबाद में कैदियों के घरों में दबिश, तो कोविड अस्पताल में बाथरूम की खिड़की तोड़कर भागे 3 कैदियों का 2 दिन बाद भी पुलिस सुराग नहीं लगा। 5 टीमों में शामिल 25 से अधिक पुलिस कर्मियों ने सोमवार को अल्मोड़ा और मुरादाबाद में कैदियों के घरों में पहुंचकर दबिशें दी। वहीं खबर है, खटीमा से, जहां पे बड़े भाई को कुल्हाड़ी से काटने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो गांव छिनकी में छोटे भाई के बड़े भाई की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधमसिंह नगर में कोरोना सैंपलिंग को बढ़ाने की जरूरत, तो बोले शासन की गाइडलाइन का पालन कराने में करें सख्ती। सामूहिक दूरी का पालन न होने पर 11 वाहन सीज किए गए हैं, तो रुद्रपुर से खबर है, जहां पे कोरोना महामारी में सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन कर सवारी भरकर ले जा रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सोमवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 11 टेम्पो और ई रिक्शा को सीज किया गया है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे गर्भवतियों के लिए कैल्शियम की 2,00,000 गोलियां मिली, तो रुद्रपुर जिला अस्पताल में एक माह से उपलब्ध नहीं थी गोलियां। रैबिज दिवस पर कुत्तों का टीकाकरण हुआ, तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय स्थित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय ने कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप के निर्देश पर रैबिज दिवस पर एक दिवसीय ऑनलाइन राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। वहीं खबर यह, काशीपुर से, जहां पर पत्नी का आभूषण लेकर के फरार होने का आरोप, तो गांव शांति निवासी कॉलोनी ओम प्रकाश ने सोमवार को थाने में तहरीर देकर अपनी पत्नी पर घर से नगदी सोने चांदी के आभूषण और 7 माह के बच्चे को लेकर फरार होने का आरोप लगाया है।